हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीमेन एंड स्पर्म में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों एक ही होते हैं। तो इसके डिफरेंस को एकदम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि डिपॉक्सिन टैबलेट स्पर्म बनाने के कितने देर पहले लेना चाहिए, तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीमेन एंड स्पर्म के बीच के डिफरेंस को पॉइंट वाइज जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सीमेन एक वाइट कलर का फ्लूइड या डार्क लिक्विड होता है जो इजुकुलेशन के बाद निकलता है, मतलब जब एक पुरुष का क्लाइमेक्स होता है तो उसके लिंग से एक लिक्विड निकलता है जिसे सीमेन कहते हैं। सीमेन जिसको हिंदी में वीर्य कहा जाता है। तो सवाल आता है, जब सीमेन निकलता है तो स्पर्म कैसे निकलता है? जब मैन एजुकुलेट करता है तो सीमन के साथ स्पर्म भी निकलता है जो सीमन में मिक्स रहता है। इसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्पर्म सीमन का पार्ट हो सकता है बट सीमन स्पर्म का पार्ट नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, स्पर्म रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सीमन कॉम्बिनेशन होता है मैच्योर स्पर्म और फ्लूइड का जो प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स एंड वल्वोरेट्रल ग्लैंड से निकलता है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं, शुगर, प्रोटीन और कुछ विटामिन एंड मिनरल्स। फोर्थ पॉइंट, स्पर्म खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सीमन को देखा जा सकता है। सीमन स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पहुंचाने में हेल्प करता है जिससे स्पर्म और एग मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है जिसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट, सीमन जब रिलीज होता है उसका एवरेज अमाउंट 2 to 5 ml होता है बट स्पर्म का एवरेज अमाउंट 15 million to 200 million होता है। सिक्स्थ पॉइंट, एक मेल पूरे लाइफ स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है लेकिन ये उतना एक्टिव नहीं होता है जितना यंगर एज में एक्टिव होता है। 52 के एज के बाद स्पर्म बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं जितना 20 एज तक होते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि स्पर्म एंड सीमन दो कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है और सीमन फ्लूइड होता है जो स्पर्म को कंटेन करता है। सीमन स्पर्म के लाइफ को लॉन्ग करता है और इसके मोबिलिटी को बढ़ाता है। स्पर्म एंड सीमन दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं एक के फर्टिलाइजेशन में। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस काम आते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।